अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारे पास सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पहले नंबर पर जो आ जाती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रियल और रैशनल नंबर। यानी दो रियल नंबर को हम ऐड करें उसका आंसर भी हमें रियल नंबर ही मिले, या फिर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें उनका आंसर हमें रैशनल नंबर ही मिले, वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास किस तरह ये होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, जिस तरह हम एक नंबर ले लेते हैं 4 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 6। 4 और 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। 4 यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर था और 6 भी यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर था। जब इन दोनों को हमने ऐड किया वैल्यू को, तो ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो था 10। तो 10 भी हमारे पास रियल नंबर ही है। यानी कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से जो तीसरी वैल्यू हमें मिली वो भी हमारे पास रियल नंबर ही है। तो ये हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है ये हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके दो वे हमारे पास सॉल्व करने के। एक होती है ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और दूसरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि इसके हम दो वे से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला वे आ जाता है हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना होता है और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। अब हम यहाँ पर सपोजिंग वैल्यू ले लेंगे। ए को हम ले लेंगे इज इक्वल टू 2k और बी को हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 4। बी हमारे पास इज इक्वल टू 4। अब ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 4। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस का प्लस और ए की वैल्यू हमारे पास 2। तो 2 प्लस 4 हमारे पास कितने हो गए? 6। और 4 प्लस 2 राइट हैंड साइड में हमारे पास हो गए 6। यानी कि 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने a प्लस बी और b प्लस ए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक बराबर किया, यानी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए की वैल्यू हमने जो सपोज की थी वो थी हमारे पास 2, तो हम 2 का 2 ही रखेंगे। मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। और बी की वैल्यू जो सपोज की थी वो हमारे पास थी 4। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू है, बी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो थी 4 राइट हैंड साइड में। अब आ जाते हैं तो इंटू की साइन, ए की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो थी 2। अब 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास दो तरीकों से परफॉर्म हो सकती है। एक हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। किस तरह? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी ब्रैकेट फिर प्लस सी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट इस तरफ है और यहाँ पर हमारे पास बी प्लस सी के साइड में ब्रैकेट है। तो अब हमें इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, तीन नंबर्स को ऐड करना है। ये हमारे पास है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पर हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले सपोजिंग वैल्यू लेंगे, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 और सी को हम ले लेते हैं 3 के इक्वल। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और हमारे पास प्लस का प्लस, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 और प्लस, सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस का प्लस और बी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस का प्लस, फिर उसके बाद सी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 1 प्लस 2 इज ये हो गए हमारे पास 3, ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म, प्लस का प्लस फिर 3 का 3 इज इक्वल टू 1 का 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस का प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास कितने हो गए 5। अब 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कितने हो गए 6, यानी कि इसमें भी हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया था एलिमेंट्स का, सिर्फ ब्रैकेट्स हमने ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज किया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद एंड में हमारी राइट हैंड साइड इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये आपका होमवर्क है कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी हम एलिमेंट्स का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमें इसमें भी इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। अब ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो क्या होगा, ए बी और प्लस का प्लस, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा ए सी। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू से बनाया है। तो अब हमें देखना है कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है या नहीं होती, क्योंकि ये जो सेकंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में से ही बनी है। तो अब यहाँ पर भी हम सपोज कर लेंगे वैल्यू जिस तरह पिछली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में की थी, ए की वैल्यू हमने ली थी 1, बी की वैल्यू हमने ली थी 2 और सी की वैल्यू हमने ली थी 3। हम यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू भी हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं सपोज कर सकते हैं, और सी की वैल्यू भी हम कोई भी सपोज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू 1 है, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस, फिर सी की वैल्यू हमारे पास 3 है इज इक्वल टू ए, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस का प्लस, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 2 प्लस 3 इज इक्वल 2 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 5 प्लस 1 हमारे पास 5 इंटू 1 कितने हो गए 5 या 1 इंटू 5 हम करें तो हमारे पास 5 ही होगा और 2 प्लस 3 हमारे पास कितने हो गए 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्या किया था हमने यहाँ पर, हमने लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड निकाली थी, फिर हमने इसे प्रूव किया कि हमारे पास ये दोनों इक्वल होती हैं या नहीं होती। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारे पास पाँचवें नंबर पर आती है आइडेंटिटीज एंड इनवर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स और आइडेंटिटीज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स को। इनवर्स में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमें करना ये होता है कि एक वैल्यू हमें दी गई होती है और दूसरी वैल्यू हमें देखना पड़ती है कि इसका इनवर्स क्या होगा। यानी दो वैल्यू को या तो हमें ऐड करना होता है, फिर उसका आंसर हमारे पास जीरो आना चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का ए दिया गया हुआ है, तो अब हमें देखना है कि इसका इनवर्स क्या होगा कि हमारा आंसर जीरो आ जाए। हमें प्लस का ए दिया गया हुआ है तो हम यहाँ पर माइनस का ए ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। अब जिस तरह हमारे पास दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पर हमें माइनस टू दिया गया है, अब इसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास, इसका इनवर्स होगा प्लस टू। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसका आंसर हमारे पास जीरो आ जाए ऐड होने के बाद। अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ थ्री और दूसरी वैल्यू मैं लिखता हूँ बी। अब इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है आप लोगों को। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जानिब, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स में एक वैल्यू मिली हुई थी, दूसरी हमने लगाई थी तो उसका आंसर जीरो आया था, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि हमारे पास एक वैल्यू दी गई होती है और उसका इनवर्स हमें फाइंड करना होता है। इनवर्स फाइंड करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका आंसर हमारे पास वन के बराबर आता है। किस तरह, अब हम देखते हैं कि हमें वन दिया गया हुआ है, तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा कि इसका आंसर हमारे पास वन आ जाए। वन हमें दिया गया है तो इसका इनवर्स हमारे पास होगा इनटू दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, जिस तरह हमारे पास 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा 1 बाय 2। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 कैंसिल आउट, 1 वन ज़ा 1। जो हमने पहले नंबर पर वैल्यू ली थी 1 वाली, वो हमारे पास किस तरह होगी 1 इंटू 1 बाय 1। 1 का इनवर्स क्या होगा 1 बाय 1, 1 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। यानी इनवर्स में हमें एक वैल्यू दी गई होगी और दूसरी वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी और फिर उसका आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह हमारे पास 1 बाय 3 दिया गया है, इसका अब इनवर्स हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। 1 बाय 3 मिला हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 3 आपस में कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी है 4 और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी है 1 बाय 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने फाइंड करना है। अब आ जाते हैं हमारे पास आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। एक है हमारे पास, दो तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स था, इस तरह हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी। सबसे पहले आ जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की जानिब। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि दो रकमों को या दो वैल्यू को हम आपस में ऐड करें पर उसका आंसर वही रहे ऐड करने के बाद भी। किस तरह, एक वैल्यू ले लेते हैं हमारे पास ए, ए के अंदर हम ऐड करें प्लस जीरो तो आंसर क्या होगा, ए का ए ही रहेगा। यानी हमने दो वैल्यू को आपस में ऐड किया, अगर आंसर हमारा वही का वही है तो हमारे पास ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आज हम वैल्यू ले लेते हैं दूसरी, सपोज करके 100, तो इसमें हमारे पास ऐड करते हैं ज़ीरो तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 100 का 100 ही। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। दो वैल्यू को ऐड करें, ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास वही रहे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एक वैल्यू मैं देता हूँ 1000, इसका आपने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है। एक वैल्यू मैं देता हूँ बी, इसकी भी एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जानिब। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो आइडेंटिटी होती है जब हम दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए? जीरो। क्या आंसर आए हमारे पास? जीरो। किस तरह? अगर हम वैल्यू ले लेते हैं 500, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर जीरो के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? जीरो। ये हमारे पास क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर तो हो हमारे पास इस तरह के 500 दिया गया है, मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आंसर आ गया हमारा 500, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, बल्कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये होगी। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, जिस तरह हम 1000 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर क्या आएगा? 0। ये भी हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, अगर उससे मल्टीप्लाई करें 0 से तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, आइडेंटिटीज एंड इनवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अपना होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा, और जो सवाल ना समझ आया हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।